Among Us एक ऐसी गेम जिसने अपने आप को इंडिया में इतना फेमस कर लिया कि प्रैक्टिकली इसने सारी गेम्स पर यलगार कर रखा है। मेरी YouTube, Twitter और Facebook फीड इस गेम से भरी पड़ी है एंड पर्सनली रियली एंजॉय दिस गेम एंड PUBG बैन होने के बाद इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को Among Us ही बचा सकती है। ये गेम 2020 के हिसाब से परफेक्ट है। आपको बस अपने घर पर बैठना है, एक प्राइवेट लॉबी क्रिएट करनी है, अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को डिस्कॉर्ड पे इनवाइट करना है एंड बूम यू कैन सोशलाइज विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोशल डिस्टेंस। ये गेम मेरे जैसे लोनर्स के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि ये मेरे जैसे लोगों को एक लार्ज ग्रुप का पार्ट बनने का मौका देती है। सो इससे पहले इंडिया को कोई नया पैंडमिक हिट करे, लेट्स टॉक अबाउट हाउ अमंग अस इज मेकिंग आवर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर। मैं लिटरली कह रहा हूं मां चुदा है कि मैं जा रहा हूं, कान भरा हूं सबके सब। Among Us was released on 15th June 2018 और initially इसने 2 साल तक struggle किया and in mid-2020 it became hugely successful. So आखिर ये success आई कहाँ से? Well, as far as anybody could tell, Among Us gaming industry में काफी lucky थी। शुरुआत में इसे कुछ Twitch streamers ने stream करना शुरू किया and eventually people started uploading Among Us gameplay on YouTube, जहाँ से इसकी popularity skyrocketed. In fact, ये game इतनी popular हो गई कि लोग इसकी conspiracy theories बनाने लगे and the weirdest one was Teletubbies को अगर आप आधा काट then you will get Among Us characters. कृपया हमें मार डालो। Anyways, according to my research, Among Us की इंडिया में पॉपुलर होने की दो वजह हैं। पहली कि जब PUBG बैन हुई तो इंडियन गेमर्स की सोशल लाइफ और इंडियन स्ट्रीमर्स की रोजी रोटी छिन गई, सो नेचुरली एवरीबॉडी स्टार्टेड टू लुक फॉर समथिंग एल्स। सो पॉपुलर गेमिंग यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी, मॉर्टल, मिथ पैटर्न, बीच बॉय शुभ स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम फॉर फन। And when you watch your favorite YouTuber having fun with their friends, तुम्हारा भी मन करता है अपनी Instagram पे story डालकर 10 बंदे इकट्ठा करूं ताकि तुम भी ये game खेल पाओ। And the second important reason is its concept. Among Us एक ऐसी game है जहाँ पे किसी पे भी trust नहीं कर सकते, अपने आप पे भी नहीं। इस game के manipulative and deceiving nature के अनुसार आपका best friend भी आपको मार सकता है। और धीरे धीरे ये game खेलते हुए पता लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ex से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं। So, तुम्हें अपनी सोशल डिडक्शन स्किल्स को यूज करके पता लगाना है कि 10 क्रियोमेट्स में से कौन से बंदे इम्पोस्टर्स हैं और इम्पोस्टर्स को क्रियोमेट्स को मैनिपुलेट करके उनको एक एक करके खत्म करना होता है। इन अ नटशेल इट्स अ मर्डर मिस्ट्री जहां पे तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है झूठ। एंड देयर्स टू थिंग्स वी ह्यूमंस एब्सोल्युटली लव सिंस द बिगिनिंग एंड दैट इज लाइंग एंड डिसेप्शन। और अमंग अस प्रोबेबली इसलिए इतनी फेमस है। प्रोबेबली द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम is to actually join a game. So Among Us एक मल्टीप्लेयर गेम है जो कि 4 से 10 लोगों के बीच में खेली जा सकती है एंड डिपेंडिंग ऑन द रूल्स उनमें से अप टू 3 बंदे इम्पोस्टर्स बन सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी सिंगल इम्पोस्टर गेम को काफी लंबा और बोरिंग कर देता है और वहीं 3 इम्पोस्टर्स सबको चुटकी में मारकर गेम जीत जाते हैं। एंड दैट इज वाई 2 इम्पोस्टर्स इज द स्वीट स्पॉट। सो प्लेयर्स रैंडमली एज क्रियोमेट्स एंड इम्पोस्टर्स चूज किए जाते हैं। क्रियोमेट्स को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो कि कलेक्टिवली टास्क बार को फिल करते हैं। जनरली टास्क आर सिंपल लाइक फिक्सिंग वायर्स, डंपिंग ट्रैश एंड अपलोडिंग डेटा, बट इन सारे टास्क में 4 सबसे ओपी टास्क हैं: स्वाइपिंग कार्ड, फिक्सिंग वेदर नोड, स्टार्टिंग रिएक्टर एंड कैलिब्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। सूत्रों के अनुसार ये देखा गया कि प्लेयर्स को ये टास्क करने के बाद धैर्य का अर्थ बेहतर तरीके से समझ आता है। एंड नाउ इम्पोस्टर्स को भी फेक टास्क की लिस्ट दी जाती है और उन्हें क्रियोमेट्स में ब्लेंड होने के लिए टास्क फेक करने पड़ते हैं, और हम इंडियंस के सिवा और कौन अच्छे से टास्क फेक कर सकता है। Now imposters के पास 3 abilities होती हैं: sabotage, kill and venting. So generally a imposter will sabotage something to distract the crew, then he will kill the person he likes the least, और मौका वारदात से फरार होने के लिए he will use the vents. Crewmates का काम होता है किसी भी suspicious activity या dead body को report करना और फिर एक healthy and intellectual discussion करना कि आखिर imposter है कौन। अरे भोसड़ी क्या बोल रहा हूँ, नहीं दिखी तो सामने क्या गान में पड़ी हूँ, मेरे को नहीं दिखी। Your best bet is to stay quiet. Play with your logics and not your emotions. अगर तुमने ज्यादा accusation लगाने की कोशिश की तो तुम्हें ही बाहर फेंक दिया जाएगा और या तो imposter की hit list में तुम्हारा नाम और color सबसे ऊपर आ जाएगा। Among Us का पूरा voting system Indian democracy की तरह function करता है, जहाँ पे जीतता वही है जो ज्यादा अच्छी तरीके से झूठ बोल पाए। So remember kids, your vote matters. Hopefully जब तक आप इलेक्ट्रिकल रूम में वायर फिक्स कर रहे होंगे तब तक आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड पीछे से आएगा और आपको मौत के घाट उतार देगा और फिर खुद ही आपकी लाश को सेल्फ रिपोर्ट करेगा एंड विल लाई इनक्रेडिबली एंड मेक यू क्वेश्चन योर एंटायर फ्रेंडशिप। बट यू नो व्हाट,
The saddest part of all this is when somebody kills you, आपका pet आपकी खूनी मौत और आधी dead body देखकर trauma में चला जाता है and for the rest of the game he suffers from PTSD. Randoms के साथ ये game और भी dangerous हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे alibi से ज़्यादा matter करता है कि तुम कितना जल्दी type कर सकते हो. क्योंकि जब तक तुम लिखोगे कि imposter dark green है या lime green, imposter आधे से ज़्यादा बंदों को ये convince कर चुका होगा कि तुम ही imposter हो. मेरी एडवाइस यही रहेगी कि तुम इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलो क्योंकि इट्स मोर फन और तुम्हें उनकी वो साइड देखने को मिलेगी जो शायद वो तुम्हें और कहीं ना दिखाएं. इन अ नटशेल, इफेक्टिवली झूठ बोलना अमंग अस में एक बहुत बड़ा हथियार है और शायद तुम्हें अपनी ऐसी साइड दिखानी पड़े जो किसी ने नहीं देखी. और अगर तुमने इस गेम में ज्यादा ही हरामीपना दिखाया तो तुम पर रियल लाइफ में भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ और यू काइंड ऑफ अस.